एक मर्द की मौत दे मुझे, शहादत दे मुझे। अगर मैंने तुझे शहादत दे दी तो न जाने कितने और शौकीन पैदा हो जाएंगे। तेरी मौत एक पकौड़े की मौत होगी। हेलो गाइज, मैं हूं अभिषेक। स्वागत करता हूं आपका फिल्मी काउंटर के आज के वीडियो में। आज के वीडियो में ट्रू स्टोरी पे बेस्ड पांच बेहतरीन वेब सीरीज के बारे में बात करेंगे। तो इन वेब सीरीज को आप किन OTT प्लेटफॉर्म पे एंजॉय कर पाएंगे, ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे लिस्ट के नंबर 5 पे है 2020 की 1 सीजन 10 एपिसोड्स फाइनेंशियल थ्रिलर वेब सीरीज स्कैम 1992। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सके, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ। हर्षद मेहता के जीवन पर आधारित वेब सीरीज स्कैम 1992 देवाशीष बासु की बुक द स्कैम हु वन हु लॉस्ट हु गॉट अवे पे बेस्ड है। IMDb रेटिंग 9.5 वाली इस सीरीज में अभिनेता प्रतीक गांधी बतौर मुख्य किरदार नजर आए हैं। पर आपको पता है मेरा सबसे बड़ा क्राइम क्या है कि मैं हर्षद मेहता हूँ। सीरीज में एक आम गुजराती लड़के का शेयर मार्केट का सहनशाह बनने का असली सफर दिखाया गया है। इस वेब सीरीज को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो इस्क है। हमारे लिस्ट के नंबर 4 पे है 2020 की 1 सीजन 10 एपिसोड्स क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज जामताड़ा सबका नंबर आएगा। साल 2020 में आई यह सीरीज साल 2014 से 2018 तक जामताड़ा में हुई धोखाधड़ी की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इस सीरीज में अनजान लोगों को कॉल कर धोखे से अकाउंट डिटेल हासिल कर उनके अकाउंट से पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने की घटना को दिखाया गया है। तुम्हारा बैंक ही तुमको ले डुबेगा सर। झारखंड के फिशिंग हब जामताड़ा पर बनी वेब सीरीज जामताड़ा सबका नंबर आएगा को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। ब्रजेश भाई ने बोला कि अब से उनका हिस्सा बनेगा। पर उनका हिस्सा काय बनेगा? अब तुमसे पूछ कोई नहीं रहा बेटा। कह रहा है तो करना पड़ेगा। अरे काय करना पड़ेगा बे? हमारे लिस्ट के नंबर 3 पे है 2019 की 1 सीजन 7 एपिसोड क्राइम ड्रामा वेब सीरीज दिल्ली क्राइम। बस पर 6 लोगों ने पर हमला किया। सखी के साथ जो हुआ है मैंने पहले कभी नहीं देखा। दिल्ली क्राइम दिल्ली के मशहूर निर्भया गैंगरेप पर बनी कहानी है। सैफ अली शाह इसमें पुलिस अफसर के रोल में हैं। सीरीज में आपको सैफ अली का बेहतरीन अभिनय देखने को मिलेगा। उनके अलावा सीरीज में आदिल हुसैन, राजेश तैलंग और रशिका दुग्गल हैं। अगर पहले 7 या 10 घंटों में हमने सस्पेक्ट को नहीं पकड़ा तो सारे के सारे गायब हो सकते हैं। क्राइम पर बेस्ड ये सीरीज आपको झकझोर कर रख देगी। सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। प्रॉमिस कीजिए मुझे उन सबको सिर्फ फांसी ही होगी। आई प्रॉमिस। हमारे लिस्ट के नंबर 2 पे है 2020 की 2 सीजन 20 एपिसोड्स क्राइम ड्रामा वेब सीरीज भौकाल। आज के बाद हमारा सिर्फ एक ही मकसद होगा, मुजफ्फरनगर में क्राइम को खत्म करना। क्राइम एक्शन और थ्रिल से भरपूर इस सीरीज में मोहित रैना SP नोनी सिकेरा के किरदार में है। कभी कभी किसी की सुबह खराब करने के लिए खुद के रात की कुर्बानी देनी पड़ती है। सीरीज की कहानी मुजफ्फरनगर में फैले अपराध और उस अपराध को खत्म करने वाले IPS नोनी सिकेरा पर आधारित है। इस सीरीज को आप MX प्लेयर पर देख सकते हैं। हीरो बनने के चक्कर में SSP साहब से चुतियापा हो गया और एक लौंडा मारा गया। हमारे लिस्ट के नंबर 1 पे है 2021 की 1 सीजन 8 एपिसोड मेडिकल ड्रामा वेब सीरीज मुंबई डायरीज 2611। दिस इज बॉम्बे जनरल हॉस्पिटल। डेली करीब 100 से ऊपर केसेस आते हैं यहां। हाई फीवर से लेके गनशॉट्स तक कुछ भी हो सकता है। यहां बातें कम काम ज्यादा। मुंबई डायरीज 2611 एक मेडिकल ड्रामा सीरीज है। निखिल अडवाणी द्वारा डायरेक्टेड इस सीरीज में 26 नवंबर 2008 की दुर्भाग्यपूर्ण रात के दौरान बॉम्बे जनरल अस्पताल के कर्मचारियों और उनके कष्टों को दिखाया गया है। ये मेरा पहला दिन है। आई कांट डू इट। यू नो व्हाट टू डू। इसमें ताजमहल पैलेस होटल में होने वाली घटनाओं को भी प्रदर्शित किया गया है। सीरीज को आप अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। अनन्या की कोई खबर? तो गाइज ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।